हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में बहुत सारे लोगों ने पूछा था आलू पराठे की रेसिपी, तो मैं जैसे काम पे बनाती हूँ वैसे मैं आलू पराठे की रेसिपी आपको बताऊँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए लहसुन, जिंजर और मिर्च। इसको मैं पहले पीस लूँगी मिक्सी में, उसके बाद इसमें ऐड करूँगी धनिया। इन सभी को मैंने ऑलरेडी अच्छे से धो के लिया है। लिड बंद करके इसे मैं क्रश कर लूँगी। अब देख सकते हो ये क्रश हो गया है, इसे ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है हमें। अब ये रेडी हो गया है मसाला। तो मैंने आलू उबाल के रखे थे, तो अब इसको मैं अच्छे से छील लूँगी। इतना आलू ऑलमोस्ट 10 से 12 पराठे के लिए ठीक होगा। इन सभी को मैं हाथ से रफली मैश कर लूँगी। अभी इसका तड़का मैं रेडी करूँगी। तो ये तड़के के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच तेल, इसमें ऐड करूँगी राई, राई के बाद डालूँगी उलद दाल, इन्हें थोड़ा पॉप होने दूँगी, उसके बाद डालूँगी जो हमने मसाला रेडी किया था, धनिया, मिर्च, लहसुन और अदरक का, वो हम डालूँगी। इसके बाद डालूँगी हल्दी, और स्वाद अनुसार नमक। अभी इन सभी को अच्छे से भून लेना है हमें। जो धनिया का कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। तो धीमी आंच को इसे धीरे धीरे हिलाकर इसे अच्छे से पका लीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए। इसे धीरे धीरे मिक्स करके इसे भूनना है। इसको कलर चेंज होने तक हमें इसे रोस्ट करना है। अब ये हो गया है, तो अभी हो गया तो इसको मैं आलू में डालूंगी और इसे आलू के साथ मिक्स कर लूंगी। पहले मैं चम्मच से करूँ क्योंकि ये गर्म है। उसके बाद अच्छे से हाथ से मैश कर लीजिए, पूरी तरह से मैश कीजिए, कोई बड़ा चंक होना नहीं चाहिए इसमें। ये पूरी तरह से मैश हो गया, तभी इस आलू के मिक्सचर का मैं गोले बना लूँगी। हमें इतने बड़े गोले बनाने हैं, एक मीडियम साइज़ परोठा बनेगा इससे। सभी के ऐसे गोले बना लूँगी। अभी आलू के गोले हो गए, तो मैं अभी आटा लूँगी। तो आटा मैंने सिर्फ 10 मिनट पहले गूंद लिया था, जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही ये भी गूंदना है। तेल, नमक, आटा और पानी। अभी इसके भी मैं गोले बना लूँगी। आटे के गोले और आलू के गोले सेम साइज़ के होने चाहिए। ये अभी हो गए, अभी मैं इनको बेलूंगी। बेलने के लिए पहले मैं छोटी सी रोटी बना लूंगी, उसमें लाइटली सूखा आटा लगाकर मेरे जो आलू का गोला है वो डालूंगी और उसको मोमो की शेप में बंद कर लूंगी और थोड़ा सूखा आटा लगा के इसे बेल लूंगी। आपको इसे थिन बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, हल्के हाथों से, नहीं तो स्टफिंग आजू बाजू से बाहर निकल आ जाएगी या आपका परोठा फट भी सकता है। इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। सेकने के बाद आप देख सकते हो प्यारा कलर आ गया। घी या तेल से आप बनाइए। आलू के पराठे की रेसिपी और आलू पराठे एक बार जरूर आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप बना के खाने के बाद इसका टेस्ट मालूम पड़ेगा। ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बनाई हूँ क्योंकि आप लोग ने, बहुत जन ने पूछा कि आलू पराठा का वीडियो डालिए, इसलिए मैंने बनाया। ये मैं बनाने के बाद, मैं बेटी तो पहले ये खा चुकी है क्योंकि उसको बहुत पसंद आया, बोले मम्मी बहुत अच्छा बना है, ऐसा करके। ये आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इसको और मुझे कमेंट कीजिए। और मेरा ये आलू पराठा, मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।